अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद औरैया में, औरैया शिवानी कुमारी के घर पर। शिवानी कुमारी बिग बॉस में है, उनकी अम्मा है, इनसे बातचीत करूँगा। शिवानी कुमारी लगभग 8 वर्षों से वीडियो बनाती है, अभी उसको जल्द में ही कामयाबी मिला है। अब इनके अम्मा से बातचीत करूँगा, क्योंकि एक किशोरी और एक लड़की जब वीडियो बनाती है तमाम प्रकार के लांछन उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन अम्मा ने क्या शुरुआती में उसका शिवानी का मदद की थी नहीं की थी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अम्मा कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अम्मा आपकी तबीयत भी तो ख़राब थी, इंटरव्यू देते देते थक गई थी आप जी। आप बताते थे कि एक दिन में बहुत से लोग आते थे इंटरव्यू लेते थे। नरे आते हैं इंटरव्यू ले। कैसा लगता है कि अब बाहर से लोग आपके यहाँ आते हैं? अच्छा लगा तो ला। बुरा भी लगता है? बुरा नहीं लगा, लगा तो अच्छा ही है। जब बिटिया वीडियो आपकी बना रही थी, शुरुआत में आप बता रहे हैं कि 15 साल की थी तभी इस वीडियो बना रही थी, तब आपने अपनी बेटी का विरोध कर रहे थे सपोर्ट कर रहे थे? हम जानते ही नहीं, पहले विरोध ही करते थे उनको। हाँ, तो वीडियो आपको ये नहीं मालूम था वीडियो से पैसे मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, सब नहीं जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। वीडियो हम तो जाना थे कि ये हंसी मजाक में अपनी वीडियो डरती हैं, सब मान ली रहा थी संग, तो ये कि माने वीडियो बनाए बनाए डरती हैं, पैसा ऐसा चक्कर हम जानते नहीं कि मिला था या नहीं मिला, या का हो तो का नहीं, ये नहीं जाना। शिवानी 4 बहनें हैं, सबसे छोटी शिवानी है, 3 बहनों का शादी हो गई, एक यहाँ बहन आपकी बेटी यहाँ रहती है बड़ी वाली जी, और वही आपकी परवरिश करती है, क्योंकि शिवानी हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती है। अभी उसका जल्द में बिग बॉस में चयन हुआ है, आज 11वां दिन है, वोट दिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भी संदेश देना चाहते हैं कि फिर नॉमिनेट रह गई, हाँ फिर हम दबा के वोट दें और फिर अंदर ले जाएं, जिता के ही लौटा रहे, ऑडियंस यही कहना चाहते हैं। जब बिटिया आपकी वीडियो बनाती थी तो गांव के लोग क्या कहते थे? गांव के लोग बुरे बुरे कहते कि ये लड़की वीडियो बना, तुम समझाती नहीं हो, अगर भैया नहीं बाप नहीं और तुम अकेली होते कि माने वह आवारा भाई जात, हमारे और बच्चा आवारा हुए हैं देख वीडियो, तो हमें बुरा लगा, तो अब बुरो सब कोई को लगे जब कोई ऐसी मुँह पर कहिए, तो हम उन्हें समझाते जब समझे नहीं मानी तो मारे बाहर नोते चक्कू चलाए सब बातें करी उनके ऊपर। लेकिन शायद न मानना ही उसके लिए जीवन का एक कामयाबी हो गई। मैं चुप्पा वीडियो बनाती रही, फिर एक दाएँ एक बार गोरे लाल जाइए भाई खड़ो तो यहाँ लड़का, या बोलो कि बुआ हम सुना शिवानी के ऊपर चक्कू चलाई दी तुमने, हमने किया लल्ला चक्कू का चलाई दी, मानते ही नहीं वीडियो बनाई का है, बना दे वीडियो, हाँ वीडियो बने कोई चोरी तो ना, हमने कि लोग ऐसे ऐसे कहा कान दे लोगों को तुम, हमने कि का हो वीडियो बनाए बदनामी करवो, कि बदनामी नहीं बुआ, हम तुम जहाज पर चले हो, हंस में बोलो हम तुम जहाज पर चले हो, शिवानी पैसा वाली हो है, हमने कि हाँ कही हाँ तुम देख लीजिए वायरल तो होने दे, हमने कि ठीक है तो हमहूँ सपोर्ट में रहा है, कि हम तुम्हू सपोर्ट में, सब सपोर्ट ही में रहो तभी आगे बढ़ पाए, तो सपोर्ट में हो गई शिवानी। आज शिवानी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चले गए, आज कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आज हमें अगर अपने पापा सम्मान पर मान लो मेरे जैसा हमने उसकी नादर की सब कुछ किया, तो इसलिए अब हमें महसूस होता है कि मेरी लड़की है को हमने इस तरह से गलत किया, वो आगे निकल गई, अब हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आपको भी कहीं ना कहीं दर्द होता होगा कि गांव के लोग ऐसे कहते होंगे, क्योंकि एक बेटी का अगर कोई बात लाछन लगता है तो माँ बेटी से पहले माँ के ऊपर दर्द बीतता है। हाँ। शायद वही गांव के लोज लज्जा के कारण आप दबाव देती होंगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पे जाने के लिए आदेश नहीं देती, नहीं देते। शायद वो भी शिवानी भी चाहती थी कि मुझे आगे बढ़ना है, और आपका भी विचार सही था, उसका भी विचार सही था, लेकिन आज आपको लगता है कि मेरी बिटिया ने एक बेटे जैसा काम कर दी, काम कर दो बेटे जैसा, अब बीच वाले नहीं काम सफल होने देते, हाँ बीच वाले काम सफल नहीं होने देते, और हम अबे बे
सोचते थे हम कामयाब हों, अब बीच वाले मना कर देते तो हमों भड़का देते। हाँ, आज शिवानी के पापा रहे होते तब कैसा लगता? तो वे कहते तो नहीं बिग बॉस में कि पापा का देख रहे तो हमें। एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा करती है वो दुख दर्द आप ही जानते होंगे, कि तमाम गांव की लोज लज्जा को दबाते हुए बच्चों को आपने आगे बढ़ाया, बड़ी तकलीफ हुई होगी आपको, क्योंकि जिंदगी में आपने बहुत ठोकरें खाई हैं। मुझे लग रहा है जिस तरीके से आपके आंसू मुझे बता रहे हैं, आज वही लोग आपको देखकर नमस्ते और सलाम करते होंगे। कितने हजारों किलोमीटर से दूर दूर से लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग को तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, क्या इसके यहाँ आ रहे हैं? हाँ, कछु लोग बुरो लगत, कछु को अच्छो लगत, कोई लोग अच्छो सोचत, कोई लोग बुरो सोचत। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं माता जी, जो आपकी बेटी के प्रति, वो मैनेजर के प्रति, शादी का ये सब क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हैं आप? हम कछु नहीं कहो चाहते हैं, उनके लिए जिसकी सोच जैसी होता है वो तैसो बोलत है, उनके लिए हम यही सरकार कान दे जो कुछ कहे को कोई। कितनी उम्र की शिवानी थी जब इसके पापा इस दुनिया से चले गए? 1.5 साल का थी शिवानी, पर्वा खत्म भई। अब ये शिवानी की अम्मा है, मैं इनसे और ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि इनकी तबीयत खराब है। यह जब शिवानी 1.5 साल की थी तभी इनके पिताजी इस दुनिया से चले गए। शिवानी के पिताजी टीबी के मरीज थे, उसी के कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल जो ईश्वर की कृपा है वही होने वाला है। और यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।